टूनी चिड़िया अपने पिता दीपू और माता बुलबुल के साथ रहती थी। बहुत ही खुशहाल जिंदगी चल रही थी। टूनी के पापा नारियल बेचते थे। टूनी के पापा दीपू हर रोज सुबह को नारियल बेचने जाते थे। नारियल ले लो, नारियल टेंड टेंड नारियल पानी। दीपू सारा दिन नारियल पानी बेचता था और शाम को घर आता था। ये लो टूनी की मम्मी, आज की कमाई। इससे आधा तुम अलग से हटा कर रखना टूनी की पढ़ाई के लिए। अच्छा जी, तुम सारा दिन नारियल पानी बेचती हो, अपनी तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखा करो, ठीक से खाना खाओ। हाँ बाबा, ठीक से ही खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम इतना चिंता मत करो, तुम टूनी का ध्यान दो और उसके खाने का, पढ़ाई में, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ठीक है, बहुत रात हो गई है, अब खाना खाकर सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। अगले दिन फिर सुबह उठ के दीपू ने नारियल पानी बेचने चले गए। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। दीपू हर रोज सुबह नारियल बेचने जाता था और शाम को सारा दिन का कमाई बुलबुल के हाथ में रख देता था। ऐसे ही एक दिन सुबह को दीपू ने नारियल बेचने के लिए गया। शाम हो गया, फिर भी दीपू वापस घर नहीं लौटा। पूरी रात बुलबुल और टूनी बहुत चिंतित हो गए। अगले दिन सुबह को बुलबुल और टूनी मिलकर दीपू को ढूंढने गए। बहुत दूर जाकर भी दीपू का कोई पता नहीं चल रहा था। अचानक मैना तेज उड़ती हुई जा रही थी, तभी बोली, अरे बुलबुल तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारे पास जा रही थी। मेरे पास? लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा सर्वनाश हो गया, तुम बर्बाद हो गई। क्या अनाप शनाप बक रही हो, क्या हुआ ठीक से बोलो ना, क्यों बात को घुमा रही हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे दीपू को एक ईगल ने मार डाला, जंगल के पीछे एक नदी के पार में दीपू पड़ा हुआ है। मैं ये बात बोलने तुम्हारे पास जा रही थी। ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? ये बोलकर बुलबुल बहुत रोने लगी। मम्मी को रोते देखकर टूनी ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। ये बोलकर बुलबुल और जोर से रोने लगी। कुछ दिनों तक बुलबुल बहुत रोती गई। धीरे धीरे बुलबुल की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन दोपहर को, अब बस भी करो माँ, और कितना रोगी, तुम्हारा तबीयत भी अब बिगड़ने लगा है, अब तुम्हारा कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? क्या करूँ, तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है। तुम अब से ठीक ठाक खाना खाओगी, इतने दिनों से कुछ भी ठीक ठाक से नहीं खाया है तुमने, अब रोना बंद करो। मैं कल से नारियल बेचने जाऊंगी। नहीं, तुम कहाँ नारियल पानी बेचने जाओगे, मैं जाऊंगी। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब है, मैं जाऊंगी, पापा की नारियल का बिजनेस मैं संभालूंगी। लेकिन तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे बिजनेस संभालोगी, तुमसे नहीं होगा। तुम चिंता मत करो माँ, धीरे धीरे मैं सब संभाल लूंगी। ये बोलकर अगले दिन से टूनी नारियल बेचने चली गई। टूनी पापा की तरह सुबह नारियल बेचने जाती थी। नारियल ले लो, नारियल का ठंडा ठंडा पानी पी लो, गर्मी में बहुत राहत मिलेगी, नारियल ले लो। टूनी बाजार में एक जगह नारियल का दुकान लगा रहा था, तभी पास वाला लालू ने बोला, अरे टूनी तुम यहाँ? हाँ, मैं अब से यहाँ दुकान खोलूंगी। यहाँ नहीं होगा, तुम कहीं और जाके अपना दुकान लगाओ, यहाँ सिर्फ मैं ही दुकान चलती है। अब लोग लस्सी ज्यादा पीते हैं, नारियल पानी बहुत पुराना हो गया है। ठीक है लालू, मैं दूर जाकर दुकान लगाती हूँ। टूनी ने बाजार से थोड़ा दूर जाकर अपनी दुकान लगाई, लेकिन कोई भी उसका नारियल पानी नहीं खरीदा। शाम को टूनी घर चली गई।
माँ आज एक भी नारियल पानी नहीं बिका। धीरज धरो, हौसला मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कोई भी नारियल पानी नहीं खाता था, सब बाजार में जाकर लालू की लस्सी ही खाता था। ये देखकर लालू टूनी को बहुत ही ताना मारता था। क्या हुआ टूनी, तुम्हारा तो एक भी नारियल पानी नहीं बिका है। मैंने तो बोला था अब सब लस्सी पीते हैं, नारियल पानी नहीं। इतना घमंड अच्छा नहीं है लालू, हर दिन किसी का एक नहीं जाता। मेरी माँ हमेशा बोलती है धीरज रखने के लिए, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, तुम देख लेना। शायद भगवान ने टूनी की बात सुन ली। एक दिन सुबह टूनी ने दुकान खोलकर बैठा, तभी बहुत लोग आए नारियल पानी लेने के लिए। टूनी बहुत खुश हो गई। टूनी का नारियल पानी बहुत बिकने लगा। टूनी ने जाकर लालू से पूछा, क्या हुआ लालू, सब नारियल पानी बिक रहे हैं? हाँ, लस्सी पी के सबका पेट खराब हो गया, कोई लस्सी नहीं पी रहा है, मैं क्या करूं? मैं ना बोलती थी, इतना घमंड ठीक नहीं है, हर कोई का दिन आता है। ये बोलकर टूनी अपनी दुकान में वापस चला गया और नारियल पानी बेचने लगा। टूनी का रोज बहुत नारियल पानी बिकता था। टूनी ने इस तरह बहुत पैसे कमाए और अपनी मम्मी बुलबुल को लेकर अच्छे से रहने लगी।